हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए, ये है बटरफ्लाई, ये बोलते हैं इस प्लांट को। और यहीं पर ये देखिए, ये बिगोनिया में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। और ये मैं मेरे नीचे गार्डन में ले आई हूँ लिटिल टेरेस से। तो जब तक इनको मैं बचाने की कोशिश करूँगी, अगर ये मेरे पास बच जाते हैं तो नेक्स्ट सीजन में हम इनसे और भी प्लांट कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो इनको थोड़ी केयर करनी पड़ती होती है गर्मियों में, और बारिश से थोड़ा बचाना होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये परमानेंट बने रहते हैं। ये देख सकते हैं, दो कलर हैं मेरे पास, ये वाइट और पिंक। तो यहाँ पर देखिए, ये है बेबी सन रोज़। इस तरह से इसमें फ्लावर खिलते हैं पिंक कलर के छोटे छोटे, ये देख सकते हो आप। देखिए तो बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं इसमें। और ये मिली में, इसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और यहीं पे ये लैंटाना में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। और इससे मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार करे हैं कटिंग से। तो यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड, तो टाइम है दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आई हूँ मेरे टेरेस पर गार्डन में। तो वो तो मैं रोज़ ही आती हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, जो मैंने लहसुन हार्वेस्ट किया था तो उसको हमें किस तरह से पूरे साल वो हमारे पास बना रहे और ख़राब ना हो, तो वो कुछ ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपके पास लहसुन कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा हेल्दी बना रहेगा। तो किस तरह से हमें उसको रखना है संभाल कर गर्मियों में बारिश में, तो कुछ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो आप भी उसी तरह से, अगर आपने लहसुन लगाया है तो उसी तरह से आप अपने लहसुन को रखिए, तो ख़राब नहीं होगा, सालों साल तक ख़राब नहीं होता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है सुबह के टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों गार्डन में आने पर। तो मैं तो सभी से यही बोलूँगी दोस्तों कि कुछ ना थोड़े बहुत पौधे सभी को लगाने चाहिए, कुछ जो कि आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ ऐसे प्लांट लगा लीजिए जिनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम सुबह सुबह जब हम गार्डन में आते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है और आँखों को भी इतने सुकून मिलता है जब ग्रीनरी को हम देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत से प्लांट ऐसे हैं दोस्तों जो आप लगा सकते हो अपने गार्डन में, और साल में एक बार उनको खाद दे दीजिए और डेली पानी देना होता है। तो ऐसे प्लांट आप लगा लीजिए जिनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए हैंगिंग, सभी हैंगिंग बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। और एक हैंगिंग देखिए दोस्तों, ये कैक्टस की है। इसमें ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट बने हुए हैं, और इनसे मैंने कई सारे प्लांट बनाए हैं और छोटे छोटे बेबी पफ्स। इनमें देखिए कितने सारे बने हुए हैं, इस हैंग करे हुए प्लांट में, ये देख सकते हैं आप। इनसे हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, इनको हम प्लांट से अलग करके, तो बहुत ही सुंदर लगता है जब ये हैंग होता है। मुझे इसका नाम तो नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये कैक्टस है। अगर किसी को इसका नाम पता है दोस्तों, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कैक्टस का नाम क्या है। तो कुछ यहाँ पर ये देखिए, ये प्लांट मेरे परमानेंट प्लांट हैं दोस्तों। तो परमानेंट प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि उनकी हमें ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती होती है, और फिर ये है ना, बार बार हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और कटिंग से भी हम आसानी से और प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये और हैंगिंग बेबी सन रोज़ की, और यहीं पर एक और, ये देखिए ये भी बेबी सन रोज़ है, यहीं पर टर्टल वाइन है। तो ये देखिए ये सारे हैंगिंग बहुत ही सुंदर सा लुक देते हैं गार्डन में, तो गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये हैंगिंग, पूरी ग्रीन बनी रहती हैं, क्योंकि प्लांट इनमें ऐसे लगे होते हैं जो ग्रीन बने रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेंटास में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे विंका में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। तो बहुत ही हेल्दी से प्लांट हैं ये। तो चलें दोस्तों, आपको मैं दिखा देती हूँ मेरा लहसुन जो मैंने हार्वेस्ट किया था।
तो यहीं पर ये देखिए जो मैंने हार्वेस्ट किया है, अभी मैंने सूखने के लिए छोड़ा हुआ है दोस्तों। तो जब ये थोड़ा सा, इसको हमें शेड में रखना है जहाँ पे धूप ना आए, तो दो तीन दिन हमें इसको, दो तीन दिन जब हम मिट्टी से इसको निकाल लेंगे तो दो तीन दिन तक इसको हमें इसी तरह से शेड में रख के सुखा लेना है, ताकि इसकी मिट्टी जो है सारी निकल जाए, रिमूव हो जाए। इसको रिमूव कर देना है हमें हाथ से, थोड़ा इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो ये देख सकते हो आप, एक हाथ से, दोनों हाथों से ये काम होता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें खींच के सारी सूखी पत्तियाँ भी हट जाती हैं जो होती हैं एक्स्ट्रा, तो इस तरह से ये देखिए साफ़ कर लेना है। इस तरह से हमें जड़ को भी हल्का सा हटा देना, पूरा नहीं हटाना, इस तरह से रखना है ऐसे बस। तो साफ़ करके हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। और इसको कैसे पता करा जाए कि ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले मेरे चैनल पे वीडियो डाला है दोस्तों, वो आप जाके देख सकते हो। वैसे आपको मैं बता भी देती हूँ, ये जो इसका स्टेम होता है ये दबने लग जाता है, तब समझिए कि आपका लहसुन हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो इस तरह से दबने लग जाए तभी आप हार्वेस्ट करें, नहीं तो अगर आपकी स्टेम दबेगी नहीं, टाइट होगी और उसको आप हार्वेस्ट करोगे तो फिर लहसुन आपका ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि वो कच्चा होता है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं होता, पकता नहीं है। तो कोई भी हम कच्ची चीज़ को तोड़ते हैं तो ख़राब ही हो जाती है। तो इसे ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है कि नहीं। तो अगर आप इस तरह से चेक करके हार्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और फिर उसको इस तरह से 2-3 दिन सूखने के लिए छोड़ दीजिए, और सारी मिट्टी इस तरह से रिमूव करोगे तो आसानी से हो जाएगी हाथ से बिल्कुल। ये देखिए आप खुद, और इस तरह से बस हमें इसकी जड़ें हटा लेनी हैं, और ये पूरा पत्तियां हमें रखनी हैं जितनी इसमें बसती हैं, हाथ से रिमूव करने के बाद सूखी पत्तियां हटा दीजिए दोस्तों, और इस तरह से हमें रखनी है ये देखिए। और फिर इस तरह से हमें इकट्ठी करके ऐसे, और यहीं से एक लहसुन को आप इस तरह से इसके गांठ बांध दीजिए, इस तरह से सारे इकट्ठा करके लहसुन को इस तरह से बांध दीजिए, और बांधने के बाद इस तरह से गुथ बना दीजिए, जैसे हम अपने बालों की गुथ बनाते हैं 3 हिस्से करके इसके, तो इस तरह से गुथ बना देना है, और सारे लहसुन को थोड़ा थोड़ा एक साथ ऐसे करके गुथ बनाना है। तो ये देखिए मैंने और भी बनाई हुई है, बाकी अभी मेरे ये सूखेगा थोड़ा, अभी इसको मैं थोड़ा फैला दूँगी तो ये सूख जाएगा। तो ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है मेरे गार्डन में लहसुन की। तो ये सूख जाएगा तब इसका मैं सारा ऐसे ही गुथ बना लूँगी। और गुथ बनाने के बाद दोस्तों आपको इसको कहीं या स्लेब पर शेडी एरिया में, जहाँ इसको ज़्यादा गर्मी का भी एहसास ना हो, हवा लगती रहे, ऐसी जगह पे आपको इसको रखना है। चाहे आप इसको इस तरह से हैंग कर दीजिए, चाहे आप इस तरह से कहीं भी रख दीजिए स्लेब वगैरह पे, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप ऐसे करके इसको रखोगे तो ये साल भर लहसुन आपके पास इसी तरह से फ्रेश बना रहेगा, और बिल्कुल भी कलियां भी इसकी एक भी ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपने लहसुन लगाया है दोस्तों और आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, तो इस ट्रिक से आप लहसुन को रखिए तो सालों साल ख़राब नहीं होगा आपका। तो मैंने भी अपने लहसुन को ऐसे ही रखा हुआ है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में मुझे यही शेयर करना था, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय दोस्तों।